दाल मैश पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय दाल है। इसे पकाने के अलग अलग तरीके हैं। आपको हमारे चैनल पर और भी रेसिपी मिलेंगी। हमें लगता है कि यह दाल चावल की तुलना में चपाती के साथ ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन यह आपकी अपनी पसंद है। आप जानते हैं कि आप इस रेसिपी को हमारी वेबसाइट से प्रिंट कर सकते हैं। वहां आप लोगों की संख्या के अनुसार रेसिपी बदल सकते हैं। या आपको मिर्ची कैसी लगती है? वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यह नुस्खा 3 सर्विंग्स बनाता है। यदि आपने नुस्खा बदल दिया है तो कृपया इन राशियों का पालन करें। मध्यम आँच पर एक बर्तन में 1/3 कप तेल गरम करें। 1/4 चम्मच हींग डालें। अच्छी तरह मिलाने के लिए हिलाएं। 6 करी पत्ते डालें। 2-2 टुकड़े काली इलायची डालें। दालचीनी का 1 इंच लंबा टुकड़ा डालें। हल्का फ्राई करें। 2 बारीक कटी हरी मिर्च डालें। हल्का फ्राई करें। 1 मध्यम बारीक कटा प्याज डालें। कभी कभी हिलाते हुए भूनें, जब तक कि प्याज का रंग न बदलने लगे। प्याज का रंग बदलते ही 1-1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। पेस्ट को सुनहरा होने तक भूने और तेल अलग होने लगे। 1/2 चम्मच नमक डालें। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालें। हल्का फ्राई करें ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मध्यम आकार के टमाटर का पेस्ट डालें। 2 से 3 मिनट तक भूने। ढककर 5 मिनट तक पकने दें। करीब 5 मिनट बाद ढक्कन हटा दें। तेल अलग होने तक हल्का भूने। पहले से भीगी हुई और छानी हुई दाल डालें। अच्छी तरह मिलाने के लिए हिलाएं। डेढ़ कप पानी डालें। उबाल आने दें और ढक दें। 10 मिनट तक पकने दें। 10 मिनट बाद ढक्कन हटा दें। अच्छी तरह से हिलाएं और ढककर और 10 मिनट तक पकने दें। 10 मिनट बाद ढक्कन हटा दें। दाल को अच्छी तरह से चलाकर चेक कीजिए कि दाल घुल गई है या नहीं। यदि नहीं तो ढककर और पकाएं। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालें। अच्छी तरह मिलाएं। 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। 2 हरी मिर्च डालें। कुछ ताजी धनिया पत्ती छिड़के। एक फ्राइंग पैन ले। 1/3 कप खाना पकाने का तेल डालें और मध्यम आंच पर गरम करें। बारीक कटा अदरक का लगभग 1 इंच का टुकड़ा डालें। तब तक भूनें जब तक कि अदरक का रंग न बदलने लगे। 1 कटा हुआ मध्यम प्याज डालें। प्याज ब्राउन होने तक भूनें। पांच पीस सूखी मिर्च डालें। प्याज को अच्छी तरह ब्राउन होने तक भूनें। दाल में तड़का डालें। चपाती या चावल के साथ परोसें। इसे आप पारंपरिक अचार के साथ भी खा सकते हैं।